तो उस वक्त में मैं तो तबलीग जमात वालों से बदजंदा, वो मेरी गाड़ी के पास ठहरे हुए थे और मुझसे कहा, सलाम किया, सलाम करके मुझसे पूछा कि एक सवाल करना है। मैं तो सोचा कि कोई साहिल है, और मैंने जो है अपने जेब में पैसे देने के लिए हाथ भी डाले, तो भाई उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मरना है कि नहीं मरना है। अब आदमी सुबह सुबह मरने की बात करे तो आदमी को बड़ा ताज्जुब होता है, तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना। अब मैं बैठ करके सोचता हूँ वो दौर कि मैं रोड पर खड़े रह करके जो है वो शरबत बेचा करता था, ऐसे मतलब आई वॉज टोटली ऑन द रोड। लोग ताने देते थे, बोले यार तबलीग जमात वालों ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और दिल जलता था। तो वो जो दौर था ना, उसमें बड़ा मजा आता था यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर के साथ एक मुलाकात में। नाज़रीन, एक ऐसी दुनिया जहाँ इज़्ज़त भी थी, शोहरत भी थी, माल भी था, दुनिया में आदमी जिसको कामयाबी कहता है वो सब चीज़ें मौजूद थी। एक ग्लैमर की दुनिया, रंगारंगी की दुनिया, आयश शराब व कबाब की दुनिया। एक ऐसी दुनिया में एक नौजवान मशगूल रहता है, मुनहमिक रहता है, मस्त रहता है, लेकिन फिर अचानक एक बहुत बड़ी तब्दीली उसके अंदर आती है। ऐसा महसूस होता है गोया वो एक दरवेश हो, किसी मस्जिद का इमाम हो, कोई आलिम दीन हो। एक अजीब व गरीब तब्दीली चेहरे पर नूरानियत, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील, ये सब कुछ किस तरह होता है, क्या हुआ, क्यों कर हुआ और क्या उसकी तमन्नाएं रही। आइए नाज़रीन, आज इन्हीं सवालात के साथ जवाबात सुनने के लिए हम आपकी खिदमत में ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जिन्होंने 1991 में फ़िल्मी दुनिया में कदम रखा, और आज मैं उनके बारे में जब तहकीक कर रहा था तो ये अजीब व गरीब बात मुझे मालूम हुई कि 1991 में जब उनकी पहली फ़िल्म आई और एक विलन के तौर पर रॉकी नाम के साथ वो फ़िल्म मंजर आम पर आई और बहुत ज़्यादा वो हिट गई और उनको उस साल अवार्ड भी दिया गया बेस्ट विलन का, और फिर वो आगे बढ़ते गए और तरक्की के बामियाँ पर पहुंच गए। लेकिन इन सब के बावजूद साथ अचानक उनकी ज़िंदगी के अंदर एक मोड़ आया, एक तब्दीली आई। हम बात कर रहे हैं जनाब आरिफ खान साहब की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूं। मोहतरम जनाब आरिफ साहब, ये तब्दीली कैसे आई आपकी ज़िंदगी के अंदर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल जो है आपने किया है, तब्दीली कैसे आई, तो पिछले कुछ वक्त से काफ़ी लोगों ने सवाल मुझसे किया और मैंने इसके जवाब दिए हैं। असल में ये मैं तो यूं कहूं कि बस इन शॉर्ट ये है कि अल्लाह वांट्स मी हियर एंड आई एम हियर। लेकिन हर एक चीज़ का एक ज़रिया, एक सबब, एक असबाब बनता है, तो बस ये यूं कहिए कि कुछ मेहनतें मुझ पर की तबलीग जमात वालों ने। आज हम जानते हैं कि तबलीग जमात जो है पूरे आलम में अल्लाह पाक इस काम के ज़रिए से लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहा है। मुझे भी अल्लाह ने इसी के ज़रिए से हिदायत दी और बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां बदली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मेहनत है, बहुत ज़बरदस्त काम है, नबियों वाला काम है। तो लोग आए मुझसे मुलाकातें की, तो उस वक्त में मैं तो बहुत मतलब बदजन था, तबलीग जमात वालों से बदजन था, क्योंकि मैं जिस इलाके जिस मोहल्ले में रहता था बॉम्बे में, बॉम्बे नंबर 8 मदनपुरा जिसे कहते हैं, वहीं मेरी पैदाइश हुई है, वहीं पला बड़ा मैं। तो उस इलाके के अंदर काफ़ी मुखालिफत थी इस काम को लेकर के, काफ़ी मुखालिफत थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहता है ना कुरान पाक में, वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, क्योंकि बातिल जो है बहुत कमज़ोर है।
और वही हुआ कि धीरे धीरे इस काम को अल्लाह ने उरूज दिया और जो है अल्लाह ने मुझे मेरे जहन को बनाया। और जब लोग मिलने आए तो वाकया ऐसे पेश आया कि एक बंदे थे अमीर साहब जो आए थे जमात में। मैं सुबह शूटिंग पर जा रहा था तो आकर मेरे से मुलाकात के लिए तन्हा आए, कोई जमात की शक्ल में नहीं, कोई मुलाकात की शक्ल नहीं, बल्कि तन्हा आकर के वो मेरी गाड़ी के पास ठहरे हुए थे और मुझसे कहा, सलाम किया, सलाम करके मुझसे पूछा कि एक सवाल करना है। मैं तो सोचा कि कोई साहिल है और मैंने जो है अपने जेब में पैसे देने के लिए हाथ भी डाले, क्योंकि उनके मैले कुचले कपड़े थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, अल्लाह के रास्ते में चल रहे थे। तो मैंने सोचा कोई साहिल होगा, कोई मांगने वाला होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए। तो भाई उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मरना है कि नहीं मरना है। अब आदमी सुबह सुबह मरने की बात करे तो आदमी को बड़ा ताज्जुब होता कि मैं जा रहा हूँ शूटिंग पर और अपने काम पर और ये कह रहे कि मरना है कि नहीं मरना है। तो बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा हाँ पहले आपको मरना है बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, मुस्कुराए, कहने लगे कि हाँ पहले मुझे मरना है बाद में आपको मरना है, लेकिन ये बताएं कि कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी कि गाड़ी जाएगी। तो मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे कि हाँ कब्र में गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र में दाढ़ी जाएगी, तो फिर गाड़ी वाली ज़िंदगी के लिए वक्त क्यों ज़ाया करते हो, दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं अख्तियार करते, दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस ये बात जो है दिल पे लगी और यहीं से जो है ना रुख बदलना शुरू हुआ। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, दिल से निकले जो आह असर रखती हैं, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। अल्लाह वाले थे उनकी कुछ दिल से निकली बात और ज़ुबान पर आई और अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दिया। बस अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए, 97 की बात है, उसके बाद से इस काम में जुड़ा तो फिर पलट कर नहीं देखा। तो 97 में ही आपने मुकम्मल छोड़ दिया? हाँ, 97 में मेरा बॉम्बे में इज्तिमा हुआ, बहुत बड़ा आलमी इज्तिमा था, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का, लाखों का मजमा आया था। तो वहाँ पे अल्लाह ने मुझे जो है वो कबूल किया, 4 महीने में उस इज्तिमा में लगा करके आया था। तो अचानक आपने उस दुनिया को छोड़ा तो शायद तकलीफें तो बहुत आई होगी? बहुत बहुत ऐसी तकलीफ़ें कि बयान नहीं कर सकता। मतलब अल्लाह ताला जो है वो आजमाता है, बेशक सहाबा को नहीं छोड़ा अल्लाह ने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबती आफ्ता आपके सहाबी है, साथी हैं, दोस्त है, अल्लाह ने नहीं छोड़ा, आजमाया। तो आप कैसे जमे रहे फिर, क्या कोई बस जमाया भी अल्लाह ही ने, यकीन नहीं आता। अब मैं बैठ करके सोचता हूँ वो दौर कि मैं रोड पर खड़े रह करके जो है वो शरबत बेचा करता था ऐसे, मतलब आई वॉज टोटली ऑन द रोड, रास्ते पे आ गया, मेरे सब कुछ चला गया। तो लोग पहचानते नहीं थे आपको? पहचानते थे, लोग ताने देते थे, बोले यार तबलीग जमात वालों ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसको जो है ना वो आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ऐसी मिसालें देते थे। तो और दिल जलता था कि या अल्लाह मैं कैसे, लेकिन मज़ा आता था भाई, बहुत मज़ा आता था। वो वक्त तो वो जो दौर था ना उसमें बड़ा मज़ा आता था यार। तो बीवी घर वालों ने साथ दिया? अल्हम्दुलिल्लाह बीवी ने भी साथ दिया, बच्चे तो छोटे थे उस वक्त में, बीवी ने बहुत। तो घर वाले आप क्या चाहते थे, आप उस दुनिया में रहे या आपकी तकदीर से? वो घर वाले की तो मेहनत थी, वो तो खुद चाहती थी अल्लाह की बंदी के जो है वो उस दुनिया से हट जाऊं, मेहनत की, कोशिश की अल्लाह ने। तो पहुंचे कैसे थे आप उस दुनिया में, आपकी सलाहियत थी या कोई नहीं? दोस्त अहबाब थे, एक जानने वाले एक कुछ थे हमारे, वो उन्होंने ले आके इंट्रोड्यूस करा दिया था प्रोड्यूसर से, क्लब वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे वो दिनेश पटेल जो था वो गैम्बलर, मतलब उनकी वो थी ना क्लब वगैरह थी जी। तो हम भी आउटलाइन ही हो गए थे उस ज़माने में, जवानी का वक्त था। तो तालीम क्या हासिल की थी आप? तालीम मैंने जो है इंटर किया है मैंने, बस ज़्यादा नहीं मैंने पढ़ाई की। तो जब आप वापस आए तो कभी आपने ये सोचा नहीं कि अगर मैं शायद उस दुनिया में रहता तो बहुत कम आता, ये तकलीफ़ें नहीं आती, कभी ज़िंदगी में इस तरह ख्याल आया हो? इस लाइन में दावत तबलीग की लाइन में आने के बाद मैं मुस्तकिल जो है ना मेहनत में लगे रहे, वक्त लगता रहा, 4-4 महीने चलते रहे, हालात में चलते रहे, बहरून वक्त लगा,
तो कभी मतलब ऐसे जहन में कभी ईमान की कैफियत, ये मेहनत जो है ईमान के बनाने की मेहनत है, जब आदमी इस मेहनत में लगा हुआ रहता है तो ईमान की कैफियत बढ़ती रहती है, और बढ़ता हुआ ईमान जो है ना कभी चीज़ों की तरफ, दुनिया की तरफ माइल नहीं करता है, घटता हुआ ईमान दुनिया की तरफ माइल करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ऐसे ही हुआ कि मेहनत में लगे रहे, ईमान की कैफियत बढ़ती है, दुनिया जा रही है नहीं मिल रही है ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। ज़िंदगी में बहुत से लम्हात आते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा किसको तसव्वुर करते हैं, या कह सकते हैं आपके लिए यादगार खुशनसीब वक्त था वो? मैं तो अगर, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर अब आप कह रहे हैं तो मैं अगर सोचूं तो मेरे हिसाब से वो रात थी जब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। मैं मरकज़ में जब पहली रात शूटिंग पर से मैं डायरेक्ट आया था मरकज़ में, और वहाँ क़याम किया था मैंने साथियों के कहने पर, तो उस रात जो मुझे नींद मिली थी मस्जिद की चटाई पर, वो नींद वो पहली और आखिरी थी। बस अल्लाह ने मुझे जन्नत का मज़ा चखाया, हाँ मतलब अल्लाह ने वो जन्नत का मज़ा चखाया कि देख ये है असल सुकून जिसको कहते हैं। और वो रात का जो है वो साथियों का रोना मैंने देखा, फिर वो मैंने दो रकात नमाज पढ़ी, पहली बार तहज्जुद, और तहज्जुद पढ़ के मैंने दुआ किया अल्लाह अगर ये सच्चे हैं, इनका काम सच्चा है। साथी रो रहे थे पहली सफ में, मैंने पूछा यार ये क्यों रो रहे, क्या प्रॉब्लम है इनको, इतनी रात को उठ के रो क्यों रहे? तो बोले ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह उम्मत के लिए रोया करते थे, और ये भी इसलिए रो रहे कि ये उम्मत जो है गुनाहों से बच के, जहन्नम से बच के जन्नत में चली जाए। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह पूना वाले अक्सर कहते थे कहाँ मिलेंगे ऐसे नौकर, कहाँ मिलेंगे ऐसे गुलाम, कहाँ मिलेंगे ऐसे खादिम जो अपना लगाते हैं अपना खपाते हैं और फिर रातों को उठ के रोते हैं और कहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे माफ़ कर दे, जैसे करना था वैसे नहीं किया। तो ये अजीब व गरीब मेहनत है। ये तो खुशनसीब लम्हा था, ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा कौन सा था? गमगीन लम्हा, अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने कभी गमगीन होने नहीं दिया इस काम में लगने के बाद, अल्लाह ने हमेशा मुतमईन रखा, खुश रखा, हर हाल में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दुनिया में आने के बाद, इस तब्दीली के बाद, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपका बहुत साथ दिया, दीन सीखने के सिलसिले में हो या फिर कोई दूसरे जो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर मसाइल दरपेश होते हैं उनका सामना करने के सिलसिले में? सच कहूँ तो जब मैं दावत की मेहनत में लगा, हालात के दौर भी आए, तो साथ किसी ने भी नहीं दिया भाई, सच है, ये सच है, साथ किसी ने भी नहीं दिया, और मुझे किसी से शिकायत भी नहीं है, क्योंकि इस मेहनत की बुनियादी जो है वो कलमा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह के करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो जब हालात आए, जब परेशानी आई, जब कुछ हुआ तो अल्लाह ही से मांगा, और अल्लाह ने कई किस्म के अजीब अजीब ज़रिए बनाए, लेकिन मांगा अल्लाह ही से और अल्लाह ही का साथ लिया, बाकी किसी मखलूक के पास गए नहीं। इस वक्त क्या आपकी मशगूलियत है? अभी बैंगलोर में मैं सेटल हूँ माशाल्लाह, 15-16 साल हो गए, और वहाँ पे छोटा सा कैफ़े है पानी कम चाय के नाम से, ये बॉम्बे का बहुत मशहूर डायलॉग है पानी कम चाय, तो चाय जो है वह उसी किस्म की चाय बनती है और बहुत मशहूर है। तो ऐसे माशाल्लाह दो आउटलेट हैं, अल्लाह पाक सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत तबलीग में आने के बाद बड़ी शख्सियात में किन से आपका ख़ास ताल्लुक़ रहा? बड़ी शख्सियात में तो मौलाना तारिक जमील साहब से काफ़ी ताल्लुकात रहे, मुलाकातें भी रही और फ़ोन पे भी ताल्लुकात रबता, तो मशवरे वगैरह भी होते हैं उनसे? हाँ अक्सर जो है मौलाना से ही वो करीब ज़्यादा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत फ़िक्र करते हैं और वही शख्सियत है जो फिल्म वालों पर ख़ास तौर पर फ़िक्र रहती है उनकी। मुझसे कहा भी था कि सलमान खान से मिलना, सलाम कहना, कुछ पैगाम दिए थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात करके मैंने उनका पैगाम भी पहुंचाया, तो उनको ज़्यादा फिक्र रहती है। और बाकी दूसरे साथियों को उस लाइन वालों के, एक बॉम्बे में हमारे हैं अहमद कासू साहब, तो वो अक्सर फिक्रमंद रहते हैं, हमारी जमातों को बुलाते हैं उस इलाके में, बांद्रा में हम लोग रहते हैं और वहाँ मेहनतें करते हैं। तो दूसरे जो एक्टर्स वगैरह हैं जिन्होंने उस ज़माने में आपके साथ काम किया, उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई? तो हाँ अक्सर मुलाकातें हैं, हम तो लोग ताज्जुब नहीं आपकी ज़िंदगी को कुछ मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ सीरियस भी रहते हैं, लेकिन जो है वो समझते हैं कि भाई ये कुछ है, कुछ चीज़ है ये जो इसकी ज़िंदगी को बदला है, और अल्लाह ताला वो तासुर डालता है ना दिलों में, खौफ
आपकी खुद ज़िंदगी उनके लिए पैगाम है। हाँ बस, लेकिन जब तक वो खुद उस माहौल से, उस गंदगी से निकलेंगे नहीं ना, तो हिदायत का मिलना इतना आसान नहीं है। और वो कहते ना कि अगर वो हीरा गंदगी में पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर कितना भी पानी डालो, गटर में पड़ा हुआ है तो गटर में ही रहेगा, वो गंदा पाक नहीं होगा। वो पाक करने के लिए उसको निकालना पड़ेगा, उस हीरे को निकाल करके उसके ऊपर एक ग्लास पानी डालोगे तो साफ़ हो जाएगा। तो अच्छे अच्छे हीरे हैं उम्मत के अंदर, बड़ी सलाहियतें हैं, बड़ी नॉलेज है, बड़ी जो है दीन के ताल्लुक से भी नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो माहौल और उसके अंदर जो गंदगी में पड़े हुए हैं ना, वो मसला है। आमिर खान ने भी माना था जिम साहब। आप सोचिए, इतना बड़ा ज़बरदस्त एक्टर है और इतना अच्छा इंसान है, इतना प्यारा इंसान है, और इतनी बड़ी हस्ती से मुलाकात हुई और बैठ करके सारी बातें सुनी और सब कुछ रबता भी रहा, लेकिन आ ही नहीं, क्योंकि वो माहौल से निकलना नहीं चाहते। अब वो माहौल से कैसे निकले, वो बस अल्लाह ही निकालेगा, अपनी तो समझ में नहीं आता। आरिफ खान साहब, ये तो आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें थी। आप हमारे शहर भटकल में इस वक्त आए हुए हैं, तो इस शहर को आपने किस तरह पाया? सच कहूँ तो भाई, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत नरम दिल लोग हैं और बहुत ही जज्बाती लोग हैं और खिदमत गुजार, जिनके पास मैं आया हूँ। हमारे जगती ट्रैवल्स वाले रियाज भाई, इनका मेहमान हूँ मैं, उनके भौनोई हैं रियाज इरशाद भाई, वो दोनों मेरी इतनी खिदमत दो दिन से कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। भाई लोग की खिदमत कोई सगा अपना सगा भाई भी इतना नहीं करेगा, इतनी मोहब्बत, इतनी खिदमत की रोना आ जाता है कसम से, और छोड़ने तैयार नहीं है। लेकिन अभी मुझे भी तकाजे जाना है, इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगा और वक्त ले कर आऊँगा और दीन की नस्बत से आऊँगा, क्योंकि अभी मैं तो दुनिया भी काम से आया था और इज्तिमा था, तो ये नियत की थी, एक दिन इज्तिमा भी अटेंड किया मैंने, पूरे हमारे बैंगलोर के ज़िम्मेदार हजरत फारूक भाई सब आए थे। तो माशाल्लाह भटकल वाले, तो वैसे भी हमने भटकल के बारे में बहुत सुना था और एक तमन्ना थी भटकल आने की, यहाँ की दीनदारी और यहाँ की मोहब्बत और यहाँ के लोगों की नरमी के बारे में बहुत सुना था, देख लिया माशाल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। आप फिक्र खबर किस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आपने यहाँ की एक्टिविटीज़ भी देखी, इस हवाले से क्या आपकी? भाई माशाल्लाह दिल बाग बाग हो गया और बड़ी दुआएं नहीं कर रही, अल्लाह आप लोगों को खूब तरक्की अता फरमाए, खूब कामयाबी अता फरमाए, आपके मकसद तक आपको पहुँचाए और आफियत अता फरमाए, नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम, और ये उम्मत में बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ कि इसको तो और ज़्यादा शाया करना चाहिए और ज़्यादा इसको पूरी दुनिया में और ओवर वर्ल्ड के हिसाब से लेके चलना चाहिए। हमारे न्यूज़ चैनल्स नहीं रहने की वजह से आज हम लोग जो है ना सारे लोगों के निशाने बन रहे हैं, तो दुश्मन हमारे पे जो है ना वो बाकायदा वार कर रहा है। ये चैनल, ये आज की कलम है, ये चैनल बहुत ज़रूरी है। चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को एक मुख्तसर सा पैगाम। भाई अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम तो यही है और हमेशा से रहा है, 25 साल हो गए यही पैगाम दे रहा हूँ कि भाई अल्लाह की राह में निकले, अल्लाह की राह में निकल करके अपने आप को भी निकालें, बच्चों को निकालें, अपनी अहलिया के साथ भी निकलें, यानी कि पूरी फैमिली जो है अल्लाह की राह में वक्त लगाए, चाहे जितना हो, 3 दिन हो, 40 दिन हो, 4 महीने हो। क्योंकि मैं तो भाई दावत तबलीग में लगा हुआ हूँ और बस यही इंतज़ार में होंगे कब ये दाढ़ी कब्र के गड़े में जाएगी। तो मेरे यही पैगाम होता है, क्योंकि मेरी नज़र, मेरी निगाह, मेरी समझ में तो यही है कि भाई दावत की मेहनत एक आसान मेहनत है, हर कोई कर सकता है और इसके ज़रिए से कामिल दीन, अकमल दीन अपनी ज़िंदगी में आ सकता है, और दीन होगा तो कामयाबी है, दीन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, ये थे जनाब आरिफ खान साहब, जिन्होंने रंगारंगी दुनिया का सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो अचानक एक बहुत बड़ी तब्दीली जिससे पैदा होती है। सुकून की तलाश में उन्होंने रास्ते को तब्दील किया, बल्कि सही माने में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी उन्होंने पाली। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको सेहत से आफियत के साथ रखे और उनके फैज़ को आम करे, और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला हम सबों को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाएँ। नाज़रीन इसी पर इजाज़त दें, आइंदा इंशाल्लाह फिर किसी नई और अहम शख्सियात के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।